वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं अकेला ही, मेरे दोस्तों नहीं आ पाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा बांद्रा, जैसे कि शाहरुख खान का मन्नत, अभी मन्नत का नाम चेंज हो चुका है, लैंड ऑफ एंड करके समथिंग लगा है, और सल्लू भाई का गैलेक्सी अपार्टमेंट, ये सब कुछ आज कवर करो करके सोचा हूँ मैंने, क्योंकि आज घर पे ही हूँ, तो सोचा कि चलो भाई आज घूम के आ जाते हैं वो साइड में, और वहाँ पे बांद्रा फोर्ट भी है, वहाँ पे भी प्लेस एक नंबर है, व्यू एक नंबर आता है दोस्तों, तो वहाँ पे भी मुझे जाना है, तो आज ये सब मतलब ये सारी प्लेस मुझे आज कवर करना है, तो आज मैं घूम के आता हूँ। आज हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे बांद्रा स्टेशन, मतलब ये बॉलीवुड स्टेशन बोल सकते हैं आपको, आप लोग बॉलीवुड स्टेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार यहाँ पे है रहते हैं एक्चुअली। आज हम लोग वही कवर करने वाले, सल्लू भाई का घर और किंग खान शाहरुख खान का घर, ये दोनों देखने वाले हैं, तो वो स्पॉट पे। आज तो मेरा दोस्त आ नहीं पाया, तो मैं अकेले आया आज, उसे मैंने बोला तो बोला कि भाई बिजी हूँ मैं आज, तो आज आ नहीं पाया, तो बोला चलो भाई घर पे बैठने से आज थोड़ा ब्लॉग बना लो आज भी, इसलिए मैं आज आके कि इस प्रकार का कुछ व्यू है अपने स्टेशन का, एकदम बढ़िया सा। जी दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बांद्रा में आ चुके हैं, ये देखो आइकॉनिक आप देख सकते हैं लोगो बांद्रा का। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बांद्रा, मैं आने के टाइम पे तो मन्नत वन्नत सब देख लिया, पर मुझे आगे का फोर्ट देखने का, उसके बाद फिर मैं बाय वॉक आपको पूरा दिखा दूंगा। और यहाँ का सबसे मतलब बोलता ना 3-स्टार होटल, यहाँ पे देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इतना महंगा होटल है और इतने पॉश एरिया में, देखो उसका एरिया देखो कितना कैप्चर करके गया है। यहाँ पे खाने पीने की शॉप मिल जाएगी आपको, यहाँ पे यहाँ से देखो छोटू सा गेट है, यहाँ से अपनी एंट्री है। आज मतलब काफ़ी गर्दी है थोड़ी बहुत, देखने भी जाएंगे तो। और ये जो आप गली देख रहे हैं, यहाँ से सुल्लू भाई ने बड़ा साइकिल मोटर चलाया था उसने जे हो मूवी के अंदर, और ये बहुत मतलब यहाँ ये है गार्डन एक नंबर। देखो दोस्तों अभी मुँह देखो मेरा, अभी जस्ट घर से निकला हूँ मैं, पर फिर मेरा मुँह देखो कैसा हो गया है, पूरा उतर गया है, मतलब मुंबई की धूप ना भाई कम होती है बट झेली नहीं जाती है, झेलने के लिए मतलब होता ही नहीं है, इतना आउट ऑफ सहन हो जाता है वो। दोस्तों एक अपने भाई मिल गया है यहाँ पे, मैंने उनको बड़ा कन्विंस किया कि भाई थोड़ा मैं शूट करूँ, क्योंकि अकेला हूँ तो अकेले ही कितना ब्लॉग करूँ, तो मैंने उनको बोला कि भाई कैप्चर लो वहाँ बांद्रा आपको दिखा पाऊँगा। ये देखो बांद्रा में ब्रिज है, और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे बोट आके फंसी हुई है, और रेस्ट मैं इंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत धूप लग रहा है थोड़ा, यहाँ पे हवा खा लेता हूँ, सूख जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ। ये देखो दोस्तों आ ही चुका हूँ, अभी बहुत सारा वहाँ पे घूम लिया, देखो ये बांद्रा का मतलब फोर्ट का ये एंट्रेंस पॉइंट है, तो अभी मुझे यहाँ से आगे कवर करना है अभी, क्योंकि इतने जब से मैंने पूरा कवर कर लिया उधर पानी में थोड़ा डुबकी होगी, मतलब थोड़ा भीग भीग लिया, फिर वहाँ से अभी निकला हूँ, तो देखो यार पूरा घान कर दिया ऐसा ये लव वो थोड़ा जाने दो, वो टॉपिक अलग टॉपिक है, टॉपिक बढ़ जाएगा अपना यहाँ से। यहाँ पर देखो आपने देखा होगा रिसेंटली ताज़ा खबर की सीरीज़ यहाँ पर है, और आपने बेताल कर एक सीरीज वेब सीरीज़ है वहाँ, वो भी यहाँ पे शूट हुआ है, मतलब ये इतनी आइकॉनिक प्लेस है ना बॉलीवुड की भाई साहब, आधे से ज़्यादा मूवी की शूटिंग तो यहाँ पे होती ही है, और सलमान भाई की तो यहाँ पे बहुत शूटिंग है। यहाँ पे देखो वांटेड में यहाँ पे बैठा रहता है सलमान भाई, एक नंबर। ये पूरा सीढ़ी है फोर्ट में ऊपर जाने के लिए, ओके। और देखो वाइड एंगल में कितना प्रॉपर आ रहा है, मस्त लग रहा है देखने के लिए भी। दोस्तों मुझे इस स्क्वायर शेप के बॉक्स में इसका एक रास पता चला मुझे कि क्या है, यहाँ से जो भी दुश्मन के जो भी आते थे जहाज, यहाँ से फायरिंग करते थे सेना लोग, मतलब अपनी सेना वाले जो दुश्मन का जहाज आता था वो लोग पे भाई क्या हवा आ रहा है यहाँ पे, सीरियसली आना चाहिए, रिकमेंडेड भाई है, आना चाहिए हवा। हाँ जी यहाँ से देखो पूरा प्रॉपर मुंबई का पूरा व्यू आ रहा है, और ब्रिज का व्यू आ रहा है,
और बांद्रा का पूरा जितना भी पानी है वो सब का व्यू आ रहा है यहाँ से, इसलिए स्पेसिफिकली मैं ऊपर आया था ये कैप्चर करने के लिए। अभी हमें डायरेक्टली नीचे जाना है जी। दोस्तों ये पूरा गार्डन एरिया है अंदर से, कितना प्यारा दिखता है देखो आप, एक नंबर लगता है यार देखने के लिए। ये देखो वहाँ पे सामने स्टेज जैसे ही बैठा है और ये जो नारियल का झाड़ है ना, कितना अट्रैक्टिव लगता है गार्डन में ऐसे देखने के लिए, मस्त बनाया। और जैसे कि आप सामने देख रहे हो ये स्टेज है, कभी भी कुछ भी परफॉर्मेंस होता है तो यहाँ पे वो लोग परफॉर्म करते सामने जी। दोस्तों आप जो साइड में देख रहे थे आप पर्टिकुलर, ये ना सलमान खान के लिए बनाया गया है, जो मूवी में यहाँ से उन्होंने गाड़ी भगाया है पूरा ऊपर तक, जो है वो मूवी में पूरा भगाया है, वो पर्टिकुलर उनके लिए बनाया है वो पूरा एरिया जी। दोस्तों आ गए हम लोग लैंड्स ऑफ एंड, पहले मन्नत था अभी नाम चेंज कर दिया है। और जो आप देख रहे हो यहाँ पे आते, देखो शाहरुख खान बर्थडे हो या ईद हो यहाँ पे आते हैं और सब फैंस के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है यार, मतलब ऐसे कभी न्यूज़ में या इसमें देख लिया तो इतना बड़ा लगता नहीं, बट काफ़ी इसमें जब भी यहाँ पे आया एक्सप्लोर किया ना, मुझे काफ़ी बड़ी जगह लगी। और सामने पूरा सी फेसिंग जी। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो कपड़ा मारा है वही सल्लू भाई का घर है, गैलेक्सी अपार्टमेंट। ये देखो ये वाला, यहाँ पे सलमान खान बर्थडे के टाइम पे आता है, सब फैंस को ऐसा हाथ हिला देता है। और कुछ इशू की वजह से गाड़ी यहाँ पे हमेशा खड़ी होती है क्योंकि उनके ऊपर से जाना है हमें यहाँ से जी। दोस्तों बहुत हो गया यार घूम के, अभी फाइनली घर के लिए कल्टी मार। अभी जाएंगे घर पे, बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया आज। आ गए दोस्तों फाइनली घर पे, मज़ा आ गया वाह। तो आ गए हम लोग घर पे मज़े में, वो अंदर आके बात करते। अभी मैं फ्रेश हो जाऊंगा क्योंकि यार पूरे हालत की बैंड बजी पड़ी है। देखो आप मेरे फेस से मालूम पड़ रहा रहेगा आपको कि क्या हो गया मेरा हालत, पूरा टैन हो गया है। लेकिन मज़ा तो भाई साहब एक नंबर वाला आया है, हाँ एक नंबर वाला मज़ा आया है। चलो अभी मैं फ्रेश हो गया आ जाता हूँ, चलो आई विल बैक।